हजरत चल रे अर्जुन के चलेबान। पांचो भाई लड़ाई लगे लोहड़ीपुर में भगवान आया बाहरे देवता बाबा महाराज मोर कोई मौका बनाना के पड़े तो आवाज कहाँ गिराई रहा कटैया रे तो लोहड़ी तोड़ने वाले आए भाई मोर ऐसे कहे कि रे लोहा गंड महाराज वापस बल आए गला निकल गए 18 कोस के सना साज गए 18 कोस के सनल साज गए भया राजा भीम के दला निकल आए चारों तरफ से धरा सेना घेरा ले महायोद्धा हुए लगे लोहाड़ी में भाई रे महायोद्धा हुए लगे लोहाड़ी में भाई रे लड़ते लड़ते सात देना भाई गए नाम टूटे नवागड़ा सेना मार पराज ऊना के नदिया लोथना के पहाड़ गला 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 मुड़ना के खरी असै लगी शेर माया बागा सिपाही करोड़ों क्षत्रिय को अर्जुन की बाण प्रहार से और भीम की गदा से वहां नष्ट होने लगे खूनन की नदियां बहे लाग लोथन के जुड़े पहाड़ बड़े बड़े देवतन के मात का कट के बड़े बड़े देवतन की मृत्यु होने लगी इस देश महाराज लोहड़ीपुर में। यहाँ कनाए भारी लड़ाई लगे रहा है और यहाँ जो है तो भैया वसंता के खिलाफ होने लाग बहुत जोरदार शादी की तैयारी यह कनाए हसनापुर से और द्वारकापुर से तैयारी होता है दोन मौका भैया वसंत कहा है का नाग धर के जाऊं हसनापुर में ब्याहे और सगाई होए से वर्ण के साथ भगवान कैसा करके मैं खबर भेजूं का कह के जैतापुर में पहुंचूं गली रास्ता मामा फुआ के घर में द्वारका से चले जाता हूं जैतापुर में और हुए बल के शादी करा देता हूं तो ठीक रहे भगवान कहके बड़ी जोरदार व कन्या रोए खाना पीना त्याग दैस बिल्कुल हो गए दुबला पतला व कन्या की चेहरा मोहरा हिराए गए सोचे सोच में चिट्ठी भेजाओ कैसे पता दे जोगी जिंदा रूप लेते भाट भिखारी भाई आई के मोला लाए जाते द्वारका दे राम वहाँ कन्या रात बिना रोवे रे भैया खाना खावे न पानी पिए सुख चैन नहीं पड़े तो न मौका शादी के कर थे तैयार दियो धन मामा शौक निकाहे हो दियो धन आ जाते न पंडवा वल हड़ी में मामा अब के रे भीम से न गए रहे हो कोई गाड़ा लोहड़ी ला टोर डाला रहे मामा आए के जब झटका गए हम भीम मार गए कहे के तो चारो पंडवा भगन लोहड़ी में हो अब तो पंडवा राजा भगन लोहड़ी में हो तो न मौका का है मामा अब शादी के तैयार चाहवे लेकिन एक बार मामा और जाए के देख ले मामा एक बार मामा जाए के देख दे रे मामा एक बार मामा दियोधना रे मामा दियोधना रे एक बार चल के और देख ले कि मामा पंडवन के हाल चाल क्या है मरने का उनके शिक्षक का मरने के समय कितना दिन की बच्ची से मरण के जीन तोड़ते जाए के और हसनापुर में मामा लोहड़ीपुर में मामा देख आओ तब मामा शौकनी फेरे लापन को धापन बनाए कोस कोस दगदारे और लोहड़ीपुर में पहुँचता है तो क्या बता महाराज
पांचों भाई पंडवन के और लोहड़ीपुर वालन के भाई उद्य संग्राम फंसे रहे लड़ाई के। तब कहा है कैसा करके पंडवन की चिन्हारी करो कहके वह अपन की भेद से छिपाए के और पंडवन के पास पहुंचे गए सर। तो ब्राह्मण की रूप धारण कर ले रहा है, वह भी तिलक चंदन लगाए, पीता रंग धोती उद्राजमाला सूर्यकंठ माथ में तिलक चंदन लगाए और ब्राह्मण की भेष में पंडित भड्री के भेष में बन गए स्वा महाराज सौकनी। तब पंडवा राजा रहे हैं धर्मात्मा, ब्राह्मण की कुल दर्श हो श्रे, आज लड़त सभा के बीच में इसे कुछ दान देना चाहिए। हीरा मरी के छल्ला उदिष्टिर और सोन के चूड़ा नकुल, क्या बता महाराज, हीरा के छल्ला सहदेव ऐसे पंडवा जो है तो उसको दान करने लगे। तो महाबलवान भीम रह रहे प्राकृतिक शक्ति वाले, वह तरी ऊपर देखे सौकनी को जान गए, कहे से हो न हो छल रूपी कोई खबरिया आया दुर्योधन के कह के हरू हरू उतार डेरे पाँव की जूतक हवा और सकनी के लाने चलाए सो जूतक है। लेकिन सकनी जान गए भीम मार ही करके जब भागी से दौड़क तक जूत के उड़ गए देश हो रही जूता न है परे सागारू जाए कि गिर गए टाप फने वो जूता से घरे सर पांच उनके निशानी घर के फेरे भरते गए था पूर्णिया। हुआ जाए के भाई फेरे ठगेला जिस दाई कुन पीढ़े ना जाए के कहे अधेक दाई दाई कुंती ना पतिया ही कह के आए दीदी लाने हम दीदी लाना दीदी पंडवाना के चान पहा चान हीरा मरी के छल्ला सोना के चूड़ा सोना के साथी या भीम के जूता लाने हम दाई गली गली पंडवा जूझ गए न लोहारी गड़ा में माँ और बीच गली में भीम मारे गए। ऐसे करके जब कुंती हर किले गजाए कि फेरे ठगी से तो छाती कूट कूट सिर धुन धुन के हाय मोर राड़ी के बालक हंडी की सीता पांच सौ बीजा अब महाकाल को नष्ट करने वाले बेटा आज कहाँ जूझ गए। अरे कह के कुंती माता सुभद्रा देवी द्रौपदी बहबर नाक लोट लोट के रुआई लगी महाराज किलप किलप के जब उनकी रौना होने लगे तो मौका मामा सौकनी कहा है अब मरने वाले मर गए दाई कर रोने वाले गंवार रोए में थोरू लिखी हूँ पंडवा राजा कह के सौकनी ठक के चाय किन भव्य हसम को जाए के कहा कहाँ मरते हो हम पंडवन के अभी भारी लोहड़ीपुर की लड़ाई हवे और लड़ रही ने कहते क्या बताओ महाराज भारी युद्धता और भारी संकट पंडवन की समक्ष हसनापुर वाले लोहड़ीपुर में हो रही से मामा जी के अभी मृत्यु नहीं होया। ऐसे कहते मामा सौकनी जाए के दुर्योधन को बताए गए राजा दुर्योधन कहा है अगर लड़ाई तो है स्टार्ट एक दिन पंडवन की मृत्यु होने वाली है शादी के करेंगे यहाँ अपन तैयार। ऐसे करके वहाँ फिर हम शादी की जो है तो तैयारी करने लगे हसना और द्वारकापुर से। शादी के तैयारी होता है जा था रे भाई शादी के तैयारी होता है जा था रे तावा यहाँ करना है सारी सेना ना सवाई गए लोहड़ीपुर में बच गए सुब्बा लोरा राजा लोहा गंदा और तबा देवी भी सुन लाइन के मरिया में राजा जाए के तेगा धर के बिनती बेनो हे माई सदा पूजा करो तो अमर गढ़ बसाए लोहड़ी लाए आज सेना को पत्थर गए पैसा मोला दे दे बारह पसेरी के गुरुदा पांच पंडवा माथा काट दे देवी मरिया के बरदान मांगा के लोहगंडा अशुभलाय ने करत रहे मरी हाले रामा तब यार जाना ओर उठाए ले ओ बह बसो बल के छाती में जोना झटकारी फेरे एक हजार बान आया जोना एक हजार बान ता वो के छाती चलनी चलनी हो गए
राम फट गए कले जरे लोहगंडा के बाप सुन बल मार गए मरी के द्वार में जगा हरा राम मरे हरा देखी श्री लोहगंडा गिर गए बापर के मुरादा में भाई छाती में मूड पटक पटक के रो लोहगंडा तो नमो गया है अजोना या गानी के मान ढीली से वाला जया रजन साथ राजा लोहगंडा ना सो बल साथ है दोनों लव में लाए गए मड़ी के द्वार में लोहगंडा के मस्त थे पटके गिर गए देवी के चरण में गए भाई तब हाय हाय राजा लोहगंडा आए कटे हरा मस्तक देवी के द्वार में जोना कूदी से तबा अग्नि के ज्वाला देवी के आए अब मरिया से निकल गए अग्नि की ज्वाला जब मरिया से प्रकट हुई से तो सारी लोहड़ीपुर में आग ही लग गई। जब लोहड़ीपुर में आग लगी से महाराज तो लोहा के तवा गोबरगढ़ आए सात तवा लोहा के रहा गोबरगढ़ के ऊपर बसे रहा सुकियन में लोहड़ीपुर। जब अग्नि की ज्वाला लोहड़ीपुर में जब छाए से तो क्या बता महाराज ऐसा हो गया इसकी अंगार के समान रग रगाए कि सारी लोहा के तवा तप गए तो फूटा के समान पंडवा फोट फोट के किलप किलप के उनके भारी विपता करने लगे तो उन्हें रह रहा है एक भिरही चिड़ैया। वह भिरही चिड़ैया के पत्थर के आड़ में दुठे अंडा रह रहा है वह अंडा वह गोदा में जब लगी से आग तो अंडा भी नष्ट हो गए। वह पक्षी जाए कि अकबर के पेड़ रह रहा है तहाँ बैठ गए बैठ के और वह कहा जो रही तो मैं कई बच्चा अंडा बना ले हूँ लेकिन धर्म है अवतार पांडव भूखे को भोजन प्यासे को पानी अंधक को लाठी भूली को रास्ता बताने वाले जैतापुर के वासिंदा आज भारी विलाप में है इनकी रक्षा कैसे करके करना चाहिए। वह चिड़ैया रोए रोए के सोचे इसका है जाओ ना बने तो एक बार माई गंगा के पास में गंगा जी को अगर बताऊँ ना बने अगर गंगा जी कहीं रक्षा इनकी कर सकता उड़त। वह चिड़ैया गंगा जी में गए और गंगा जी में जाए कि जब बताए सी गंगा माता को तो गंगा माता कहेस ठीक है कहा है मोर गंगा जी की लहर वह लोहड़ीपुर में जा तब तक है आग बुझी और पंडवन की रक्षा हो। तब गंगा माता फिर अपन के लहरा दय से लोहड़ीपुर में तो वहाँ की आग बुझाई से पंडवन को उर्जिन करी से यह कहना है पंडवा तो उर्जिन भाई गए पर घर टूरे जाए ना लोहड़ीपुर की पहाप की फिर पंडवन को महती मिल आए। भैया बसंत के भावर में श्राप रह रहा है सात भावर जब तक ना पड़ेगा तब तक के सातों गढ़ लोहड़ी को ना टूटेगा कहते बसंत के तो हकनाया आखिरी अंतिम समय हो गए रहा है मराई के रे सुख साथ दे रहा है चिंता चिंता रवाई चलवाई में कन्या पिंजड़ा में सोए हार पिंजड़ा में पोसे हार बसते नाम के सुहारा है रे राम आवारा नीला रोज देख बिलाप करत वसुआत पिंजड़ा दी बोल नहीं बसंता कई काहिन के लाने अन पानी त्याग गए तोर चेहरा में कछु हंस नहीं आता तो और बिल्कुल मर लायक हो गई दीदी का हो गए तोला का हो गए पशुआ के सामने रोए रोए के सारी है वरना के कथा लताए कहे साँच तो आया यह वरना राजा तोरा सगई है और कैसा बापा है तोरा जबकि सगाई करी से है वरना सात और हसनापुर में लक्ष्मण कुमार साथ में आए रचना बनाए रही से यदि तुर बिहाव हो भैया है कहें तक आइए सुआ मौला है वरना के देगा पहुँचाए देते राम नहीं नहीं जी हो सुआ नहीं जी हो
जाता। आग जोगी भर भिखारी सूरत आए ले जाते बोला यार नहीं तो कृष्ण करके पहुंचम और चिट्ठी जाए सके न गली देखे न रास्ता कहा नहीं कहा है वजह तक। तब सुआ कहा अरे तय मरे जावे भाई तेसे तोर मृत्यु बचावे के लाने भैया हमारा पिंजरा से झील दे हमारे गले में चिट्ठी बांध दे चिट्ठी लिख दे वरना के लाने हमारा गले में चिट्ठी बांध दे वरना के लाने आया है वरना के चिट्ठी भाई यह वरना के चिट्ठी पढ़ हूँ भाई पढ़ हूँ या चिट्ठी लिख के मोर गले में बांधे मैं भैया वसंता और मैं लय की जैसा पूर्ण चिट्ठी अहवरना के पास पहुँचा गया। काय भागरे पोसे हर सुआ अगर तोला पिंजरा से ढीर हूँ तो बन के हिसाब किताब का जान दे देखी सुरही के चल तोला मार के खा जाही मोर चिट्ठी दिया कारक पर जाही और तोर प्राण निकल जाही। तो कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मैं भी मनुष्य के साथ बचपन से संगत करे हूँ तो मोर पास भी बुद्धि है मैं न मार सके मुहे कोई चीज न खाए सके मैं जैसा पूर्णी तुम चिट्ठी पहुँचाए गए हूँ का करे वह कन्या कहा देख दादा नहीं तोर से तोर प्राण मोर चिट्ठी हो ही अकारा तब तय मर जाए पिंजरा हो जाए कहा नहीं हो सके कुछ तय मुहे पिंजरा से भर निकाल दे और तोर मन की चिट्ठी है वरना के नाम से लिख दे। तब वह कन्या रोय रोय के अचरज चीर के कागज बनाए से नैना कजर मछदारी से अंगरी काट के पेन खून की सियाही से तरह वरना के नाम से चिट्ठी लिखी आगु कुलूप में राम राम सगैया भाई है वरना पाछू दुआ सलाम बीच महाभारती समाचार आज कलंत्री आज काल कैदरात परसों समारी सुगुर दिन आने वाले हैं हसनों से बरात अगर ब्याहे गए मैं हसनापुर में कदाचित जिंदा नहीं रहूंगा मैं वो हाथ से आत्महत्या करके मैं मर जाऊँ कोई भी प्रकार से तैमो रही से लैजा भरी हसनापुर में शादी गए तपुर में शादी कर ले वे और मोला तही से लैजा टिका चिट्ठी में लिख के कन्या और सुआ के गले में बांध के जब छोड़ी से सुआ को महाराज वह पिंजरा से तब सुआ भाई भागने लगे उस महाराज जैता नगर किला नगर कोट जैता किलाने जब भागने लगे सो सुआ तब फाटक में बैठ के सुआ भगा था सुआ लग से गाना सुनाए से तब भैया बसंता पानी से पतला रे कौन है और भूमि से भारी चिड़ैया और भूमि से भारी पानी से पतला कौन हवाई रे और भूमि से भारी चिड़ैया और भूमि से भारी अग्न से तेज कौन हवाई और काजल से काली देख तो चिड़ैया मोर घर ला जा तन में राख बेरी दिन में रात कहा डॉक्टर बाबा पानी से पतला हवा हवा भाई पाप भूमि से भारी गुस्सा अगिन से तेज हवा और काल काजल से काली गसुआ जाता है पारा देसुआ जाता है पारा देस देख चिड़ैया मोर घर ला जाता मेरा खबेरे पर झाड़ भाई पक्षिन में भय सुवा देख तो पक्षिन में भय सुवा
शिक्षा पढ़ाने लिखाने से कलम लिखते पकड़ चोच में वो पक्षी सुआ सुआ जाता है पारा देश सुआ जाता है पारा देश जग तो चिड़ैया मोर घर ला जाता न मेरा खबेरे जान अपन हीरे मिले यार घोड़ा जाने असवार देख तो घोड़ा जाने असवार कर्म जान के मई के मिल थे भाग जान ससरार सुआ जाते पर देख चिड़ैया मोर घर ला जातन मेरा खबीरी मेड़ो नकर चारो मुखमोरी दौरी दादा भरोसी डोंगर में पहुंची सुबह की सच में सुधी चिच्चा नहीं देख ली पक्षी पोसे हराया उसके रंग ढंग को समझ के चेचानक दौड़ पड़े वह सुआ एकदम से सर्राए की दौड़ी से वह बाज तो वह सुआ देखे सब कहे अरे राम 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 भैया बसंत सहित को बता रहा है ये चेचान तो खाए जाए लेकिन मैं कैसा बुद्धि लगाऊं कहके आवा भावा उड़ा तुलक जाए के पहुंचे गंगा जी के किनारे में वह सुआ और चेचान का चौकवाए के झा ने पंखा में चिट्ठी जब दबाए के और गंगा जी ने कूद गई से पानी पानी भाग थे सुआ व चेचान तो हुए बैठ गए खट ने कहा निकल बिज बेटो तो खाए बिना रहे छोड़ो रे आए पानी लाला खावा रे वाचे चाना भाई आए सुआ भागे भागे गंगा गंगा जी जाए के राजा आए हसना जल जाए ताके पनघट में सुआ निकल गए भाई रे आए धारा से निकल के पंखा झाला वे चिट्ठी का देखा आए जो के तो रहा चिट्ठी भैया जैसा नगरी पहुँच गए वहाँ सुआ पहुँच के रे चौदह रतन के अंगना जैसा नगर के आएगा जाए के कादा मझाड़ा ऊपर बैठ गए भाई नहीं दे चिट्ठी रे नहीं दे माता कुंती नाला नहीं दे चिट्ठी राम सुभद्रा ना द्रौपदी ल भाई निकाली से वरना अंगना में की सपने चिट्ठी ला यह वरना के सामने फेंक के सुआ रे भर राटा उड़ के राम द्वार के लाने लवट गए भाई भरा राटा उड़ के राम द्वार के लाने लवट गए भाई भैया बसंता भेगा पहुंची से कहे वह देख ले बसंता खा पी नहा धो तो चिट्ठी पहुंच गए जैतापुर में एक दिन तोर सगैया आने वाले चहे आने वाले कन्या फिर तनक तनक संतोष करे आत्मा को और नहाए धोए लाख खाए पिए लगे अब जो है वरना तो वो चिट्ठी को देखी से और वह सुआ को देखे तो सुआ तोड़ के भग गए वह चिट्ठी को गए वरना खोल के जब पढ़ी से महाराज तो भैया बसंत के भारी दुखी कठोर शब्द लिखे रहे आगू पुलुप में राम राम पाछू दुआ सलाम हाय वरना सगैया भाई जोगी जिंदा भाड़ भिखारी के रूप धारण कर मोहि जैतापुर से हर्ष द्वारकापुर से जैता में ले जा नहीं तो यदि मोर शादी होने वाले है हसनपुर में और मैं शादी हसनपुर में गयो कदाचित जिंदा नहीं रहूं आत्महत्या करके अपने आप में मर जाऊं और तय नहले जेता यदि शादी छोड़ने वाले है तो जल्दी चाय की मोहि जैतापुर में ले जा और मोर प्राण बचा ले अतना चिट्ठी पढ़ के है वरना और दाई तुम की तो चिट्ठी पढ़ाते सुभद्रा और द्रौपदी देवी को इन चिट्ठी पढ़ के कहें बेटा भारी बेपतहमी पड़ी से पांडवन की दुख और शादी विवाह के बारे में कन्या भी मारी जाही बेटा तो दोबारा कहाँ से कन्या बिसाह लेंगे कैसा करना चाहिए अहे वरना कहे दाई मरो चाहो जियो लेकिन मोहित द्वारकापुर में ले जा नहीं वो कन्या मर जाही तो अनाथ हो जाही उसकी भी जिंदगी और मैं दोबारा कहाँ से कन्या पाहूँ तो जिंदगी सुधार में शादी करूँ भैया वसंता आतना को सुनी से माता कुंती तक कहा भग रे बेटा दूसर के बहनी बेटी जीते के लाने जान चाह रहे हैं अगर वह कन्या के लाने अगर गयन द्वारकापुर में लड़ाई झगड़ा फंस गए
सना तो लड़ाई जानस न बांध चलावे जानस न तोर पास कछु भी भीत नहीं आए। 15 साल के अवस्था तोर है और मैं कैसे करके भैया बसंत तोर के पास मिले जाऊँ। तकाय भागदाई मोर पास बहुत लड़ने की बुद्धि है और मोर पास बांध चलाने की तरीका है। माता जी मैं सुभद्रा के गर्भ में रह रहा हूँ तो मोर सौख्य हो जा रहे हैं। माता जी के पेट से जन्म लेत के समय में महतारी को बड़ा भारी पीड़ा पड़े तो दादा खोल के चक्र जाहू महाभारत साग डब्बा महाभारत के निर्माणदाई के सामने पढ़े रहे। जब 7-6 डब्बा तक महाभारत के टोरवटोरी से पढ़ के अर्जुन तब दाई 98 भुजा मोर दाई कुंती सुभद्रा के पेट में कट के गल गए। 7वां डब्बा महाभारत के निर्माण लड़ते रहे अर्जुन और मैं धरती में जन्म ले लयो। ढोल ढमाका बजने लगे तो मैं 7वां डब्बा महाभारत के निर्माण आए नहीं जानो नहीं तो मुझे महाभारत तक मालूम है। लड़ाई की बात बताते मोर पास तो बाप से ज्यादा शक्तिवान बांध तक शक्ति है मोर पास का। कहाँ जान बे ते बान वान चलायला काहे ता नहीं दाई परीक्षा ले ले तब तो समझ ले वो ता का करे सियानन चलना भला परीक्षा ले हूँ कह के सोन की चिड़ैया बनवाए सौरा। आमा के फूलगी पत्ता में बैठा रह सवा चिड़िया रवा चिड़ैया ला कुंती दाई कहे एक बान में अगर या चिड़ैया ना देत दे बेरे नाती तो ला ले जाऊँ ले जाऊँ द्वारा खामा। हसत मुखी अर्जुन के नाम लय धरती के पाए पर सर्जन में मात जो कावे उठाए के बान जो ना मारी से आँखी से निशानी। हाय राम सुन के चिड़ैया लगे राय दस सोने की चिड़िया एक बार से राजा अर्जुन के लाल सुभद्रा के नंदन है वर्णा गिराए पड़ी थी। देख काहे देख ले दाई तहाँ मानस न बात वह सोन की चिड़िया गिर पड़े काहे भगरे लबरा डगाला में आए हवा में गिरी थी कहाँ नेते तो चोरे स्वरित नहीं आए तो कहे नहीं दाई नहीं नेते हूँ कहते तो कहे भाई सही नेताड़ी हस और सही बांध चलाने वाले हस तब कान के लाती तरकी के छेदा से मोर एक बान निकाल निभाए देनाती तब तुम्हें बराबर द्वार का मिल जाएगा हम कहते हैं उसे आने में। उठाए बान और खड़े कर टोकरी के सामने जब खाए जारी से मनो है वरना बान भरा तो सांस से बान निकल गए टोकरी के कान के लाती तरकी के छेदा भर के। भगत के कुंती देख कहे नरे कतना देर खड़े रहो पे तो बाने मेहमान असनाती बोला बाना बाले तरकी के छेदा कान के लाती नाती कहे भगो या जी दाई बान जो ने भाई दयो जान तक नहीं पाया सो कहे लबरा हवस रे हवा तक नहीं चली है तन को तो जान तो ये सारा ठप ठसा नाती दवाया गुस्सा हो गई अर्जुन की नाव ले से कहे चल रही पैन धार की बांध डॉक्टरी के कान का काट के तुल कहाँ जाओ तो जब मारी से तान के चले हर बानमा तब धेरे कान का चाय के काट के वो बानर ले गए दूर तब तक डॉक्टरी का पता ही नहीं चले। अरे राम 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 वो सियानन कुंती दाई कहाँ लगे मैं बड़ा बदमाश ससरे मोला कब तक खड़े राग भी अभी तक नहीं मारस बान तो अर्जुन के लड़का सुभद्रा के लाल कहा है पहले तो दाई ते कान की पता लगा तो बान की पता लगी जा